हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि मिनी स्प्रिंकलर का इंस्टॉलेशन कैसे होता है फील्ड पर। किसान भाइयों, सबसे पहले ये ट्रंचिंग किया जाता है। इसको ये आप देख रहे होंगे, ये लंबी आपको ये नाली जैसे 1.5 फीट की खुदाई की जाती है। उस खुदाई करने के बाद ये पाइपलाइन, ये आप देख रहे होंगे ये पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन को इस ट्रंच किए हुए उसमें डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये लंबी आपको दिखेगी ये फील्ड है। यहाँ पर मैं आज यहाँ पर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के दांतीवाड़ा में हूँ, आपको फील्ड से लाइव इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। किसान भाइयों, अभी ये पूरी लंबी ट्रंचिंग लाइन है। अभी इसमें पाइप आप देख रहे होंगे, ये पाइप को जोड़ दिया गया है यहाँ पे सॉल्वेंट से। इस पाइप को यहाँ से सॉल्वेंट से जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद अभी इंस्टॉलेशन में क्या होगा, इस पाइपलाइन को इसमें डाल दिया जाएगा। ट्रंच की जो नाली की गई है उसके अंदर डाल दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर चल के अभी फील्ड पर। ये आप देख रहे होंगे पूरे फील्ड पे हो रहा है इंस्टॉलेशन। यहाँ पर जो उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, अगला ये होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको 9 मीटर पे ये आप ये देख रहे होंगे, ये साइडर लगा के पाइप पर, और ये राइजर पाइप ये लगाया जाता है। हर एक 9 मीटर पे आपको राइजर पाइप दिखेगा। ये आप देख लो, ये हर एक 9 मीटर पे आपको राइजर पाइप दिखेगा। इस राइजर पाइप पे क्या होगा, ऊपर एक MTA लगा के उस पर, ये ऊपर MTA लगा के उस पर एक टी लगाई जाएगी। टी से सब लाइनें निकाली जाएंगी जो मैं आगे आपको दिखाता हूँ अभी।